इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ CSVTO BEC सेमेस्टर न्यू स्कीम के एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के कैलकुलेशन के बारे में। यह एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने BE फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर न्यू स्कीम में पढ़ा हुआ है और जिनका अभी सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर CSVTO ने एंड सेमेस्टर कैलकुलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स को 40 वेटेज दिया गया है। ऑनलाइन मार्क्स यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा उसको 30 का वेटेज दिया गया है। क्लास टेस्ट को 10 का वेटेज दिया गया है और इस तरीके से टोटल 80। लेकिन यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का ही होगा। पासिंग मार्क आपका 28 ही रहेगा। जो मैंने मेंशन किया है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स वो थ्योरी सब्जेक्ट आउट ऑफ 80 28 है। यहाँ पर जो ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स हैं उसे डिफाइन किया गया है एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड अप टू करंट सेमेस्टर CT+TA+BSc इन BE। जो CT+TA+BSc होता है वो होता है टोटल 120 होता है, 80+20+20। CT+TA+BSc सिंगल थ्योरी सब्जेक्ट के लिए होता है 120। आइए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं एंड सेमेस्टर कैलकुलेशन में से ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स को। तो यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया कि ये सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तो इसमें पिछले 5 सेमेस्टर का कैलकुलेट होगा। तो सिक्स सेमेस्टर न्यू स्कीम में फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं, सिक्स सेमेस्टर न्यू स्कीम में सेकेंड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं, थर्ड सेमेस्टर में 6, फोर्थ में 6 और फिफ्थ में 6 सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर न्यू स्कीम में मैक्सिमम CT+TA+BSc होगा 120 × 5, ये होगा 600। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में मैं भी 5 थ्योरी इसलिए उसमें भी होगा 120 × 5, तो ये भी हो जाएगा 600। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में है 6 सब्जेक्ट तो वो होगा 120 × 6 यानी कि ये हो जाएगा 720। फोर्थ सेमेस्टर में भी 6 सब्जेक्ट हैं तो ये भी हो जाएगा 120 × 6। फिफ्थ सेमेस्टर में भी 6 सब्जेक्ट हैं, ये भी हो जाएगा 120 × 6। तो यदि हम इसका एवरेज निकालें, मैक्सिमम CT+TA+BSc का एवरेज निकालें तो वो होगा 672। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ए ने फर्स्ट सेमेस्टर के CT+TA+BSc में स्कोर किया 400, उसी स्टूडेंट ए ने सेकेंड सेमेस्टर के CT+TA+BSc में स्कोर किया 400, इसी स्टूडेंट ए ने थर्ड सेमेस्टर के CT+TA+BSc में स्कोर किया 500, इसी स्टूडेंट ए ने फोर्थ सेमेस्टर के CT+TA+BSc में स्कोर किया 450, स्टूडेंट ए ने फिफ्थ सेमेस्टर के CT+TA+BSc में स्कोर किया 457। तो यदि हम इसका ऑप्टेंट CT+TA+BSc का एवरेज निकालें तो वो होगा 441.4। ठीक है, अब हम ये क्या करना है, इस 672 को 40 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, 40 के वेटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने 672 में इंटू किया 0.0595, जिससे हमें मिला अप्रॉक्स 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 441.4 है इसे भी 40 वाले फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हम इसमें भी इंटू करेंगे 0.0595, तो हमें मिलता है अप्रॉक्स 27। यानी कि स्टूडेंट ए का इस 40 में जो मार्क्स बन रहा है वो बन रहा है 25। यानी कि स्टूडेंट ए के ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स मिला के उसका एवरेज हो रहा है 25। ये हो रहा है इक्वेशन 1। अब हम आते हैं एग्ज़ाम पे। जो आपका मेन थ्योरी एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का है। इसमें पासिंग मार्क्स 28 ही रहेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसका वेटेज तय किया 30। तो 80 का 30 कैसे होता है, जब हम 80 में इंटू करते हैं 0.375 तो इसका होता है 30। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए स्कोर करता है 45 आउट ऑफ 80 ऑनलाइन थ्योरी एग्ज़ाम ऑफ सब्जेक्ट 1 सिक्स सेमेस्टर में, यानी कि सिक्स सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट ए नाम का 45 स्कोर करता है 80 में, तो उसका ऑनलाइन मार्क्स कुछ इस तरीके से होगा 45 × 0.375, ये होगा इक्वल 17 के अप्रॉक्स। ये होगा इक्वेशन 2। अब हम आते हैं सिटी क्लास टेस्ट मार्क्स के फॉर्मूला पे। तो हमने यहाँ पर लिया है बेस्ट ऑफ सिटी डिवाइड बाय 2, क्योंकि सिटी में हाईएस्ट मार्क कितना हो सकता है 20। तो ठीक है, दो सिटी उसने दिया तो हमने 20 को डिवाइड किया 2 से। मान लीजिए स्टूडेंट ए ने दो क्लास टेस्ट दिए सिक्स सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट 1 के लिए और उसने स्कोर किया 14 और 15 रिस्पेक्टिवली, तब उसका जो सिटी मार्क्स होगा सब्जेक्ट 1 का वो होगा 8 अप्रॉक्स। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3 को यदि ऐड करें तो हमें मिलेगा स्टूडेंट ए का
सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वन का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स वो होगा 27 प्लस 17 प्लस 8 इक्वल 52 आउट ऑफ 80। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।